हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अरुण आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑल प्रेस जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर कर दें। और अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ, उसकी जो नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी डिजीज से रिलेटेड जो कि मेल से हमेशा देखी जाती है, पुरुषों में हमेशा देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा फैली है। दोस्तों, एक ऐसी मैरिड लाइफ में हमेशा देखी जाती है जो कि शादीशुदा हैं उनमें हमेशा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। 100% में से 99% ये प्रॉब्लम देखी जाती है, डिजीज देखी जाती है, ये बीमारी गाइस देखी जाती है। दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं यौन संबंधित समस्याओं से रिलेटेड। दोस्तों, जैसे बात करो सेक्सुअल इम्पोटेंसी उनके अंदर आ रही है, जैसे सेक्सुअली वीकनेस उनके अंदर हो रही है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली वीकनेस उनके अंदर हो रही है दोस्तों, और काफ़ी लंबे समय से हो रही है, लॉन्ग टाइम से उनके अंदर हो रही है। उनकी जो इरेक्टाइल पावर है थोड़ी वीक है, उनको जल्दी उनको डिस्चार्ज हो रहा है और 1 मिनट से ही पहले उनको डिस्चार्ज हो रहा है। और उनके बाद कोई वेटिलिटी नहीं है, एक वाइटिलिटी उनके अंदर नहीं है, एक प्लेजर उनके अंदर नहीं हो रहा है, एक डिज़ायर उनके अंदर नहीं हो रही है। उनका जो पेनिस है वो थोड़ा वीक है, थोड़ा कमज़ोर है, और उनका जो पेनिस विन है वो भी थोड़ी कमज़ोर हो रही है। उनके जो पेनिस है उसमें ब्लड फ्लो सही से हो नहीं पा रहा है, ड्राइनेस सी उनके पेनिस में रहती है, सूखा फंसे जैसे रहता है, ढीला ढीला सा रहता है, और मैं आपको एक तनाव होने से पहले उनको डिस्चार्ज उनको हो जाता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन के लिए मैं एक ऑयल लेकर आऊँ, एक मेडिसिन लेकर आऊँ जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है और सेफ है मेडिसिन, और उसके गाइस काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगी। और दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा दोस्तों उसकी, कैसे आपको यूज़ करना ये भी आपको बताऊँ, कैसे आपको जो है मसाज करना है ये भी आपको बताएंगे, क्या उसकी MRP है, क्या उसका प्राइस है, कहाँ से आपको अवेलेबल मिलेगा, कहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं, और दोस्तों उसमें क्या कॉम्पोजिशन डाला हुआ है, क्या उसके अंदर का इन्ग्रीडियंट डले हुए हैं, और उसमें क्या इसमें इसको यूज़ करने के वक्त आपको क्या आपको अवॉइड करना है, क्या आपको इसमें नहीं खाना है, क्या आपको इसमें नहीं लेना है, और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, और क्या क्या आपको इसमें प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देंगे, कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे दोस्तों। दोस्तों, ये जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, स्पेशली मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए जो कि मैरिड लाइफ में है, जो शादीशुदा हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक बात को एक यूजफुल मेडिसिन है। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ शेयर जरूर करें, फॉलो जरूर करें, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज, वो जो मेडिसिन है, वो जो ऑयल है गाइज, फिलहाल मेरे पास वो अवेलेबल भी है, अभी मेरे पास वो उपलब्ध है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइज। गाइज, इस मेडिसिन, जिस प्रोडक्ट, जिस ऑयल की मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा था, जिससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा था दोस्तों, तो गाइज ये है वो ऑयल, आप इसको प्रॉपर देख लेंगे, जीजी फार्मेसी का मुसली घाट ऑयल है ये, स्पेशली बात करूँ मेल्स के लिए बनाया गया है, पुरुषों के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जिन व्यक्तियों में जैसे सेक्सुअल इम्पोटेंसी आ रही है, सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, इरेक्टाइल पावर उनकी वीक है, जल्दी उनको डिस्चार्ज हो रहा है और तनाव होने से पहले उनको डिस्चार्ज हो जाता है, और वाइटिलिटी उनके अंदर हो रही है, वाइटिलिटी उनके अंदर आ रही है, एक हिम्मत नहीं हो रही, एक डिज़ायर नहीं है, एक प्लेजर उनके अंदर नहीं आ रहा है, एक आनंद उनको नहीं आ रहा है, और जल्दी उनको डिस्चार्ज हो जाता है। उनका जो पेनिस है वो थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, और पेनिस में एक तनाव होने से पहले जल्दी उनको डिस्चार्ज हो जाता है, और उनके पेनिस में जो उनकी पेनिस की जो विन है वो भी थोड़ी वीक है, पेनिस में जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, और जिस बात को ड्राइनेस ही रहती है, सूखा सूखा सा रहता है, ढीला ढीला सा रहता है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो गाइस, उन कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है दोस्तों ये। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ गाइस इसकी क्या, इसकी MRP का इसका प्राइस है। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूँ इसकी MRP की, इसके प्राइस की, तो गाइस ये आपको मिलेगा 350 का, जो कुछ देखो इसमें मेंशन किया गया है, आप इसको प्रॉपर देख लें, 350 का आएगा, ये 350 रुपये का है, थोड़ा है एक्सपेंसिव, मगर ये एक रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देगा, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये उन कंडीशन के लिए बहुत इफेक्टिव ऑयल है, ये स्पेशली मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए बनाया गया है, और उन्हीं के लिए दोस्तों ये है, इसमें देखो मेंशन भी किया गया है, फॉर मैन ओनली। दोस्तों, ये स्पेशली मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए जो मैरिड लाइफ में, उनके लिए दोस्तों। और इसकी आज बात करो 20 ml की, इसकी जो पैकेज है दोस्तों, 20 ml का ये पैकेज आपको देखने को मिलेगा, और इसमें मैंशन भी किया गया है दोस्तों।
जैसे मैं बात करूँ, एक आपके जो है वर्टिलिटी के लिए, वाइटेलिटी के लिए, प्लेजर के लिए, जैसे बात करूँ आपकी जो सेक्सुअल इम्पोटेंसी को इम्प्रूवमेंट करेगी, इरेक्टाइल पावर को इम्प्रूवमेंट करेगी, जिनको जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, जिनकी टाइमिंग कम है, ना के बराबर टाइमिंग, जिनकी 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, तनाव होने से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, जिनके बात करूँ पेनिस वीक है, ज़्यादा बात करूँ कमज़ोर है, और उनकी जो पेनिस की जो वेन है वो भी काफ़ी वीक हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, ड्राइनेस उनकी पेनिस में रहती है, सूखा सूखा से रहता है, ढीला सा रहता है, और पेनिस की जो वेन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है, तो उन कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है दोस्तों ये। तो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर कंपोजिशन की, तो गाइस मैं आपको इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या इसके अंदर डाला गया, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट डले हैं दोस्तों। तो गाइस इसके अंदर बात करूँ सफ़ेद मूसली डली हुई जो कि काफ़ी अच्छी डाली हुई है, और इसके अंदर गाइस मैं बात करूँ बादाम डाला गया है, और दालचीनी डाली गई है गाइस इसके अंदर, केसर डाला गया है, मालकांगनी डाली गई है, तिल इसके अंदर डाला हुआ है दोस्तों, और मैं बात करूँगा इसके अंदर कॉम्पोजिशन डाले गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे इसके अंदर कॉम्पोजिशन डाले गए जो कि आपके पेनिस की प्रॉब्लम की जो पेनिस में जो वीकनेस आ रही है, आपकी जो टाइमिंग कम है, आपकी जो सेक्सुअल इम्पोटेंसी वीक आ रही है, ये जल्दी आपको डिस्चार्ज हो जाता है, और ये लॉन्ग टाइम से आपको हो रही है प्रॉब्लम, काफ़ी लंबे समय से हो रही है, और आप मैरिड लाइफ में हैं और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, आपको एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता चीज़ आपको रहती है, बहुत ज़्यादा अवसाद में रहते हैं दोस्तों, इस कंडीशन से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों, उन कंडीशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसा आप इसको जो है यूज़ करना है दोस्तों, और कितनी रोज़ आपको इसमें यूज़ करनी है, किस टाइम आपको ये जो है मसाज करना है इसका। तो इसमें मैं बात करूँगा इसको आपको ये जो है एट नाइट आपको यूज़ करना है, रात के टाइम आपको यूज़ करना है, बेड टाइम आपको यूज़ करना है, और मैं आपको इसमें आपको 8 से 10 ड्रॉप आपको यूज़ करने हैं, 8 से 10 बूंद आपको लेना है, और आपके जो पेनिस का जो पेनिस है उस पर मसाज करना है, लाइट हैंड से मसाज करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है, ऊपर का एरिया छोड़ के आपको मसाज करना है, और हल्के हाथों से मसाज करना है, रात में आपको मसाज करना है, बेड टाइम में यूज़ करना दोस्तों, सिर्फ रात में यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा, और उसी कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें आपको जो है किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको इसमें नहीं खाना है और क्या आपको इसमें नहीं लेना है दोस्तों। तो गाइस इसमें ठंडी चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं खानी है, जैसे आपको जो मैं बात करूँ राइस आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कर्ड आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, कुकुम्बर आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जो ठंडी चीज़ें होती हैं जैसे कि आइसक्रीम है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठंडी होती हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी है, वो चीज़ आपको नहीं लेनी है, और ठंडे पानी से बिल्कुल आपको नहीं नहाना है, और ठंडी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी है, और हो सके तो गाइस एक्सेसिव स्पाइसी फूड भी थोड़ा अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा, बाहर के जो तले हुए चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो होते हैं वो आपको बिल्कुल ना खाएं, और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो भी आप प्लीज़ अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा, जल्दी आप ठीक हो पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। तो गाइस मैंने आपको इसकी जो पूरी जानकारी दे दी है और कंप्लीट नॉलेज आपको दे दी दोस्तों, ये स्पेशली मैं जो है मेल्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है, पुरुषों के लिए मैंने वीडियो बनाई जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो परेशान से रहते हैं क्योंकि उनके वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही है, और कि डॉक्टर से कहने में एक हेजिटेट सा फील करते हैं, उनको एक मैं उसको एक हिचकिचाहट सी रहती है, कैसे डॉक्टर साहब को बताऊं, कैसे उनको मैं ये जो है प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाल पाऊं। तो दोस्तों उन सभी के लिए मैंने वीडियो बनाई है और उन सभी के लिए मेडिसिन मैं लाया हूं और मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, इस मेडिसिन की, इस प्रोडक्ट की, इस ऑयल की आप सभी को कम्प्लीट नॉलेज दे दी है, पूरी जानकारी आपको दे दी है, लिटरली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों ये जो वीडियो स्पेशली मैं आपको मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और यूजफुल मेडिसिन है जो कि इस डिजीज से, इस बीमारी से पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, जिनको जैसे बात को सेक्सुअल इम्पोटेंसी आ रही, जिनके सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल बात को बेकार है, ठीक नहीं है, और जिनके बात को एक्टिल पावर जिनको हो रही है, जिनकी बात करो एक्टिल पावर वीक है, जिनको जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, और एक वाइटिलिटी उनके अंदर हो रही है, एक वाइटिलिटी नहीं है, एक जीवन शक्ति नहीं है, और एक बात को एक डिज़ायर उनके अंदर नहीं हो रहा है, उनका जो पेनिस है थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, और उनका जो पेनिस वीन है वो भी थोड़ी वीक हो रही है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है, ड्राइनेस इनके पेनिस में रहती है, ढीला से रहता है, और तनाव से पहले इनको डिस्चार्ज हो रहा है। दोस्तों ये उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है और काफ़ी अच्छा है, मैं आपको रिस्पॉन्स आपको देगी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगी। दोस्तों आप सभी से एक पॉइंट क्लियर करना था, आप सभी से एक बात कहनी थी जो कि कहना बहुत ही ज़रूरी है और इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, अगर मैं उस पॉइंट को, उस बात को इस वीडियो में नहीं कहूँगा तो भाई मेरे को ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर है, हमारे कुछ व्यूअर्स है जिनके कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब इस मेडिसिन में कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है।
देखो गैस, कोई भी आप मेडिसिन यूज़ करें, जब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, जब एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, जब आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करें, किसी भी पैथी की मेडिसिन ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, देखो उस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले का अवेयरनेस भी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, परहेज भी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, प्रिकॉशन को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तभी मेडिसिन रिजल्ट देती है। अगर आप परहेज आप नहीं रख रहे हैं और अगर आप जो है प्रिकॉशन को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो गैस आप जो है उस डिजीज से, उस बीमारी से छुटकारा आप नहीं पा सकते, डिस्चार्ज आप नहीं हो सकते हैं। तो भाई जैसे आपको बताया गया ऐसे ही इन चीज़ें फॉलो करें, और जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया है, एबिस्टेंस पूरा रखें, परहेज पूरा रखें, और मैं जैसे मैं आपको बताया गया उन चीज़ों का ध्यान रखें। और गैस देखो, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट, चाहे वो मैं हूँ, चाहे यहाँ पे, चाहे कोई और है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है दोस्तों, और कोई भी यूट्यूबर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्पेशलिस्ट ये नहीं चाहेगा कि मेरे पेशेंट को या मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूअर्स को कोई भी गलत नॉलेज मिले। और देखो ये कि अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करेगा, कोई भी ये नहीं चाहे भाई गलत नॉलेज दें, और एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से नॉलेज देने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो बस ये ही मैं कर रहा हूँ, और भी यही मेरा काम है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए अच्छे वीडियो लाने के, अच्छे कंटेंट लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये कि कोशिश करता रहूँगा आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस यही आप सभी से क्लियर करना था, और मैंने आपकी बात आप सभी की जो है क्लियर कर दी, पॉइंट को क्लियर कर दिया है, ये कि आगे दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये बात कह दी है। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने जो है ये बात मैंने कही थी, तो बस मैंने आपको ये कहना था, मैंने आपको कह दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी ऑन करें जरूर कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। और अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ, उससे जो नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ, सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें, और कोशिश करेंगे आप मुझे कमेंट करेंगे उस टॉपिक को अपने यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे, और एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और प्लीज़ हमें थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। सो गाइस, थैंक यू गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।